तो दोस्तों आप भी आइए और विज़िट करिए मकलिया कब्रिस्तान। और ये जो कब्रिस्तान है काफ़ी बड़ा है, 12 किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो चलिए चलते हैं मकलिया कब्रिस्तान, आपको विज़िट कराते हैं और वहाँ पर जो मकबरे हैं आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो है मकलिया कब्रिस्तान की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पे जो मोनोमेंट्स हैं 75 हैं, प्लेटफॉर्म्स जो हैं 402 हैं, स्टोन ग्रेव्स जो हैं 454 हैं, प्लास्टर्ड ग्रेव्स जो हैं 1713 हैं और 1258 रबल ग्रेव्स हैं। हम जो है मकलिया कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों ये जो है मकबरा है मुबारक खान का, जिसको दूल्हा दरिया खान भी कहते हैं। और ये जो है दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे 1521 ईस्वी में। और ये जो है गवर्नर थे समा डायनेस्टी में। उस दौर का आर्किटेक्चर जो है नहायत ही खूबसूरत है और अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। मकबरा है सिस्टर ऑफ फतेह खान बाई, हमशीरा फतेह खान बाई का है और उसकी कब्र मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो है उसकी कब्र है और उसके साथ काफ़ी और भी कब्रें हैं। और इस पे जो नक्श निगारी की हुई है, आर्किटेक्चर जो है कब्रों का काफ़ी खूबसूरत है। और ये मकबरा भी काफ़ी शानदार है। ये जो है जबूं हालत में है और कब्रें जो है अभी तक अपनी सही हालत में मौजूद हैं, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ये नक्श निगारी आप देख सकते हैं कब्रों की। ये जो मकबरा है मलिक राज अली कनर का है और ये उनकी कब्रें हैं। और इनका कोई आर्किटेक्चर नहीं है, यहाँ पर ये टूट गई हैं कब्रें, तो ये सादा सी कब्रें हैं अभी। और ये जो है दूसरी कब्रें हैं बाहर और इनकी भी नक्श निगारी जो है काफ़ी खूबसूरत है। और अभी तक ये जो है अपनी ओरिजिनल हालत में है और इनको जो है कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। और उसके साथ जो है दूसरी कब्रें भी हैं और इनकी जो है नक्श निगारी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि उस दौर में जो है लोग पसंद करते थे कि उनकी कब्रों पर नक्श निगारी की जाए और उन पर जो है पैसे खर्च करते थे नक्श निगारी पर। और यहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान भी जो है काफ़ी बड़ा है और इसमें जो है काफ़ी हुक्मरानों की, उनकी अहलियाओं की और सोल्जर्स की कब्रें हैं। और आम लोग जो यहाँ पर रहते हैं ठट्टा में या उसके गिर्द नवा में, वो भी जो है अपने प्यारों को यहाँ पर दफन करते हैं। और यहाँ पे कब्रों पे नक्श निगारी जो है मुख्तलिफ किस्म की है, हर दौर की अपनी नक्श निगारी है लेकिन काफ़ी शानदार है। और ये जो है एक बड़ी हिस्टोरिकल साइट है मकली में और ठट्टा जो है मुख्तलिफ दौरों में कैपिटल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी हुक्मरान जो है यहाँ पे मदफन है। कुछ यहाँ पे जो है मुख्तलिफ लोगों के मकबरे हैं और कुछ जो है टूट गए और कुछ जो है बाकी हैं। इस वीडियो में मैं जो है आपको कुछ मकबरे दिखाऊंगा और थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा उनकी। और ये कब्र भी काफ़ी खूबसूरत है और ये मुख्तलिफ कब्रें हैं मुख्तलिफ स्टाइल में, मुख्तलिफ आर्किटेक्ट में। और सामने जो है एक और मकबरा है लेकिन ये जो है लॉक्ड है, लेकिन काफ़ी शानदार आर्किटेक्चर है। Thank you.
और ये मकबरा जो है जाम निज़ामुद्दीन का है। और मकामी लोगों ने हमें बताया कि ये जो है जाम तमाची की कब्र है और उसके साथ उसकी दूसरी अलिया की कब्र है और उसकी दूसरी अलिया नूरी की कब्र जो है किंझर में है। और इस कब्र का आर्किटेक्चर अपनी मिसाल आप है, काफ़ी शानदार कब्र है ये, खूबसूरत। और यहाँ पे जो है काफ़ी खूबसूरत कब्रें हैं और जब आप यहाँ पे आएंगे और अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आपको मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है मुख्तलिफ दौरों की कब्रें हैं और ये फन तामीर देख के आप जो है दंग रह जाएंगे। आपको मज़ा भी आएगा, एक्साइटमेंट भी होगी यहाँ पे आके, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ये जो है ओल्ड जामा मस्जिद है जो कि 1391 ईस्वी में बनाई गई थी, लेकिन अभी जो है ज़बूं हाली का मंज़र पेश करती है। ये जो है एंट्री है मस्जिद की सामने, अभी जो है हम इंटर होंगे मस्जिद में। ये मस्जिद जो है टूट फूट का शिकार है लेकिन काफ़ी मज़बूत लग रही है मस्जिद उस दौर के हिसाब से, और आज तक ये जो है मौजूद है मस्जिद, लेकिन ज़बूं हाली है इस मस्जिद की, काफ़ी शानदार मस्जिद बनाई गई थी। ये जो है मदरसा है पेवेलियन शेख हमाद जमाली का, जो कि 14वीं सदी में बनाया गया था। ये भी जो है ज़बूं हाली का शिकार है और टूट फूट गया है ये मदरसा। और जामिया मस्जिद की साइड में जो है माई मकली की कब्र है और इस कब्रिस्तान का नाम भी जो है माई मकली के नाम पे है, इस वजह से इसको मकली का कब्रिस्तान कहते हैं। ये जो है सच चढ़ी है, इसको सच चढ़ी जो है सीढ़ियों की वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 7 सीढ़ियां हैं। और इसमें जो है खुसरो खान चरकास का मकबरा है और ये जो है 16वीं सदी का शाहकार है और अभी जो है अपनी ज़बूं हाली का मंज़र पेश कर रहा है। और ये कब्रें हैं यहाँ पे अंदर खुसरो खान चरकास की और बाकी लोगों की, लेकिन यहाँ पर डिटेल नहीं लिखी हुई कि खुसरो खान चरकास की कब्र कौन सी है। तो ये आप उस दौर का आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि 16वीं सदी का आर्किटेक्चर कैसा था उस दौर में। और ये जो है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है यहाँ पे, और यहाँ से आपको मैं मकली का कब्रिस्तान दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है यहाँ से, और आप देखेंगे कि कितना बड़ा कब्रिस्तान है। और ये जो है सारा कब्रिस्तान का एरिया है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, ये मकली का कब्रिस्तान है सारा, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये। और ये जो है अमीर सुल्तान का मकबरा है जो कि बैठे हैं अमीर आजी मुगल के, और ये मकबरा भी काफ़ी शानदार है। और ये जो है तुर्खान के हुक्मरान का मकबरा है यहाँ पे, जिसका नाम ईसा खान तुर्खान 2 है, और ये जो है उस दौर के आर्किटेक्ट का आलीशान मिसाल है, काफ़ी खूबसूरत है मकबरा। और हम देखेंगे कि ये ओपन है कि नहीं है, तो ये ओपन है और अभी जो है हम इंटर करेंगे इस मकबरे में। और ये मकबरा जो है 17वीं सदी का है, काफ़ी आलीशान मकबरा है ये ईसा खान तुर्खान 2 का मकबरा।
अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। और ये महल नुमा मकबरा जो है काफ़ी खूबसूरत है, वेंटिलेटेड है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी महल में आए हों। हम जो है मकबरे में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे ईसा खान तुरखान 2 की कब्र है और बाकी लोगों की कब्रें हैं। काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्ट है, काफ़ी शानदार, वेंटिलेटेड और तुरखानों के दौर की खूबसूरत आर्किटेक्ट। दोस्तों अभी जो है मज़ार पे आए हैं और ये जो है अब्दुल्ला शाह साहबी की मज़ार है और सुना है कि ये एक बुज़ुर्ग थे, तो हम जो है इसलिए आए हैं यहाँ पे देखने। दोस्तों हम जो है मज़ार पे पहुँच चुके हैं लेकिन कोविड की वजह से ये बंद है। ये जो है असाबी की मज़ार है जिसको अब्दुल्ला शाह साहबी कहा जाता है। इनको असाबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकल स्कॉलर ने इनको इस्लामिक टीचिंग की वजह से असाबी का लकब दिया था।